Hello everyone, I welcome you all in this session. I hope I am visible and pretty audible to you. Hi everyone. Hi Kian, Yashasvi. Hi Kavita. Hello Aniket, Bittu. Okay, so today we are going to do a poem, a full detailed analyzation. आज हम करने वाले हैं एक analysis करने वाले हैं हमारी ball poem का. Okay, इसके through हम आज poetic devices भी पढ़ने वाले हैं. So are you all excited? There are some MCQs. ओके जल्दी से सेशन को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सबको बता दीजिए कि हम पोएटिक डिवाइसेस सीखने वाले हैं एक पोम के थ्रू. इसको हम एज अ केस ट्रीट कर सकते हैं, इसके एक्सट्रैक्ट्स को. ओके, इसके कुछ स्टैंजाज हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, क्योंकि कभी भी आ सकता है, कोई भी क्वेश्चन बन के आ सकता है. ओके, समबडी इज आस्किंग समथिंग. अच्छा, इंग्लिश का एक भी चैप्टर नहीं हुआ आप ये कह रहे हो? आर यू सीरियस? नो बेटा, हमने तो काफी चैप्टर्स करे हैं ऑलरेडी. आप कहाँ से, मतलब आप थोड़ा लेट ज्वाइन कर रहे हो मुझे लग रहा है ना. टेंथ क्लास की ये पोम है, इसके थ्रू आप पोएट्री डिवाइसेस रिवाइज करेंगे आज, और हम इसको एज अ बेस ट्रीट कर सकते हैं पोएट्री डिवाइसेस को जानने के लिए. दो मैंने आपको बहुत बार बताया है पोएट्री डिवाइसेस के बारे में. अच्छा, आई थिंक है बच्चे, एमसीक्यू है, एमसीक्यू मेंटी टाइप ही है लेकिन एमसीक्यूज है, तो आपको उसके आंसर्स देने पड़ेंगे. वो पोएटिक डिवाइसेस इंक्लूडेड हैं उसमें, तो आपको आंसर्स देने पड़ेंगे इसके एनालाइज करने के बाद, इस पोम को एनालाइज करने के बाद. सो द नेम ऑफ द पोम इज बॉल पोम एंड इट इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट. यहाँ पर आप देखेंगे, जानेंगे इसके बारे में कुछ डिटेल्स में. मतलब बहुत दिन हो गए बच्चों. हाय, गुड इवनिंग. यू विल बी Somebody is there with the name of. Okay. Hi Saurav. Okay. So now I am beginning with the poem. So let's read it in detail. So what is the boy now? Who has lost his ball? What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street, and then merrily over, there it is in the water. यहाँ पर जिन लोगों ने बॉल पोम पढ़ी है, पहले तो आप ये जानिए कि इस बॉल पोम का जो कुछ स्टार्टिंग की लाइन्स है वो क्या कहती हैं. वो ये बताती हैं, इट इज टेलिंग आस कि यार आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट पोम है बच्चे, सो प्लीज़ कोऑपरेट एंड हाउ
हाय हाय प्रिंस शर्मा, हाय शत्रुघ्न। हाँ, मुझे देख के सब लोग आ गए होंगे। वो थंबनेल में मेरी शक्ल दिख रही है ना, तो अभी आप सब लोगों को याद आ गया होगा कि हाँ भाई, मतलब इंग्लिश की क्लास है तो मेंटी हो रहा होगा। बट अभी यहाँ पे मेंटी नहीं है, MCQs हैं जो कि मेंटी के फॉर्म में ही होते हैं। मेंटी और MCQ इट इज़ वन एंड द सेम थिंग, एंड आपको आंसर देने पड़ेंगे क्योंकि इसमें हम इसका पोइटिक एनालिसिस करेंगे। ठीक है, इस एनालिसिस में आपको पोइटिक डिवाइसेस को गेस करना है। ठीक है, मेरे हिसाब से गेस नहीं करना, राइट ही करना है, क्योंकि आपको सब पता है, विद्याकुल वाले बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं इसके बारे में, है ना। हाय लक्ष्मीपुरम, हेलो। तो पोइटिक डिवाइसेस हम जानेंगे, और कुछ मैं आपको बता रही थी कि इसके जो प्रायर लाइंस है, मतलब पोम को जब स्टार्टिंग में हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर आपको एक बच्चा और उसकी बॉल के बारे में दिखेगा, है ना। जब भी आपने पोम पढ़ी होगी, जो 10th क्लास के बच्चे हैं वो अच्छे से पढ़ रहे होंगे, मुझे पता है। हाय ऋषिकेश, सब लोग पढ़ रहे हैं। जो भी आपको लगता है 10th में है, उसकी इंग्लिश है, उसको प्लीज़ शेयर कीजिए ये वीडियो, ताकि वो भी हमारे साथ बॉल पोम को अच्छे से पढ़े, है ना। तो अब बच्चों, आप इसकी स्टार्टिंग में देखेंगे कि इस पोम के अंदर शुरुआत में आपको एक बच्चा मिलेगा, है ना। मेन जो है वो बच्चा है और उसकी बॉल है। ठीक है, आपको अपनी लाइफ में कुछ ऐसी नॉन लिविंग या लिविंग थिंग से अटैचमेंट होती है ना, आपकी फेवरेट चीज़ क्या है, जरा मुझे बताएंगे कोई। कैन एनीबडी टेल मी, कोई भी ऐसी चीज़ से अटैचमेंट हो जो नॉन लिविंग हो, लिविंग हो, कोई भी चल जाएगा, है ना। मोबाइल फ़ोन उसका सबसे बड़ा प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है। सो कैन यू टेल मी वॉट इज़ योर बॉल, इफ़ वी कंसिडर यू दैट बॉय, तो आपके लिए वो बॉल क्या है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो मतलब आपकी अगर खो जाए तो आपको दिक्कत होगी, क्या है वो ऐसी चीज़, मैं जानना चाहती हूँ। हाय फ्यूरियस, मैंडी है एंड में, सब लोग आ गए हैं, लेकिन मेंटी 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 चल रहा है, मेंटी इतना डिमांड में रहता है ना। बच्चों जल्दी से मुझे बताओ, कियान आप तो आप अपनी क्लास के जो भी, हाँ साइकिल लैपटॉप, ओ ग्रेट, पबजी, मतलब इसका अगर आपसे छीन ले जाए तो दिक्कत होगी आपको। जल्दी से जो भी लोग आए हैं अपनी अटेंडेंस लगा के जाइए, आपको पता है हम अटेंडेंस का मतलब क्या होता है हमारे में, है ना। मुझे लाइव चाहिए दिखाने के लिए कि आप लोग आए हैं, अपनी प्रेजेंस शो कीजिए, शो कीजिए प्रेजेंस, गुड। फैसिलिटीज, कौन सी फैसिलिटीज? ओके, फैकल्टीज है, फैसिलिटीज, अच्छा फैकल्टी कह रहे हो, ओके ओके, आई गॉट इट। क्या आप लोगों को ये विजिबल है बच्चों, क्या आप लोगों को ये पोम विजिबल है? आई होप आपको ये पोम विजिबल होगी, और आप लोगों ने अपने जो आपकी मेन प्रायोरिटीज़ हैं वो आपने मेंशन कर दिए, जैसे लैपटॉप, फ़ोन, और कई बच्चे अपनी साइकिल भी मेंशन कर रहे हैं। सो हाँ, सबको अपने अपने चीज़ों से बहुत अटैचमेंट होती है। इस बच्चे को जो है बॉल से अटैचमेंट थी, हाँ, ही वॉज सो वेरी अटैच टू द बॉल, मे बी उसकी फर्स्ट पोजेशन होगी। आई होप आप लोगों को पोजेशन का मतलब पता होगा। पोजेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, वॉट इज द मीनिंग ऑफ पोजेशन? कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोजेशन? व्हाट यू पोजेस, व्हाट डज इट मीन, यू पोजेस समथिंग, आई वॉन्ट टू नो बच्चो, कैन एनीबडी टेल मी द मीनिंग ऑफ पोजेशन? आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर आंसर्स, प्लीज लेट मी नो। ओके, आई होप आप लोगों को पोजेशन का मतलब पता होगा। पोजेशन का मतलब होता है ओनरशिप, इट्स अ फीलिंग, ओके ओके, ओनरशिप, है ना। आपकी क्या ओनरशिप है, आपके पास अभी जो फ़ोन है जहाँ से आप ये चीज़ देख रहे हो, सो इट इज़ योर पोजेशन, है ना।
आप इसको पोजेस करते हो, ये आपका है, मैं आके इससे छीन नहीं सकती हूँ आपसे, है ना। तो ये जो है आपकी पोजेशन है, इट बिलोंग्स टू यू, बिलोंगिंग बेसिकली, ओके। तो यहाँ पर जब उसकी बेसिक जो अटैचमेंट है, जिससे अगर वो उसको लूज कर देगा और उसको वो जाते देखेगा और उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ रहे हो। मेरिली बाउंसिंग, बॉल चली गई, और बॉल कैसे जा रही है, मेरिली बाउंसिंग जा रही है, मतलब बॉल डजंट केयर अबाउट हिम। हाँ, तो आपके साथ हुआ है कभी ऐसे? यस, राइट। माय बॉल इज माय स्पेक्स, मेरा तो स्पेक्टिकल, चश्मा चला गया तो क्या करेंगे, जीवन अंधकार। व्हाट इज योर बॉल अकॉर्डिंग टू यू? आप लोगों ने मेंशन कर दिया है। अगर मैं ये देखूं कि मैं, अगर मैं अपनी अच्छी सी चीज़ से वो टूट गया या वो कुछ को कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मैं रोए जा रही हूँ, मैं दुखी हूँ, तो मेरिली बाउंसिंग देख रहा है वो बॉल को, द बॉल इज़ जंपिंग ओवर द वाटर, ओके। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा बच्चों, यस यू आर राइट, आपने देखा होगा बच्चों कि जो बॉल होती है अगर पानी में होती है तो कैसे पानी की लहरों से, बारिश आई हुई है, मानसून देखते हैं आप लोग, कोई सामान अगर गिर जाए आपका और पानी बिल्कुल भरा हुआ है तो हवा के भाव से, ठीक है, वो बिल्कुल वैसे वैसे मूव करेगा। तो बॉल जो है वो हल्की होती है और डाउन द स्ट्रीट वो मूव कर रही है बच्चों, और वो बहुत चिल है। बॉल जो है ना, इधर देखो, वो ना काफ़ी चिल है। बॉल को चिंता नहीं है लड़के की, लड़के को चिंता है बॉल की, है ना, ऐसे होता है ना। ये कैसे होता है, ये तो वन साइडेड रिलेशनशिप हो गया, है ना, कि उसको तो प्यार है पर उसको प्यार नहीं है जिससे उसको प्यार है, समझ रहे हो। तो ये क्या हो गया बच्चों, मेरी लिए बाउंसिंग है कि लड़की को फर्क ही नहीं पड़ रहा है, लड़का अपना पूरा दिल दे बैठा है। तो यहाँ पे बच्चा जो है बिल्कुल खो चुका है कि उसकी बॉल लूज हो गई है उससे। देर इट इज इन द वॉटर, पानी के अंदर है बॉल। नो यूज टू से ओ देर आर अदर बॉल्स, अगर कोई आदमी आके वहाँ पे बोले, उस लड़के को बोले, अरे अरे बहुत सारी और लड़कियाँ भी हैं, क्या ज़रूरत है उसके पीछे पड़ने की, भूल जा उसको, ऐसी बोलते हैं ना, समझाते हैं ना कि अरे बहुत सारी लड़कियाँ हैं, है ना, कि भूल जा उसको भाई, वो तेरे लिए नहीं थी, तेरे लायक नहीं थी, ऐसे ऐसे बोलते थे ना। तो यहाँ पर अगर कोई आके उसको ये बोलेगा कि ओ देर आर अदर बॉल्स इन द वॉटर और इन द यू कैन से इन द मार्केट, वी विल फेच समथिंग एल्स फॉर यू, सो क्या उसको उस टाइम वो बात अच्छी लगेगी? नहीं, क्योंकि उस करेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे उसको वो बॉल से अटैचमेंट थी और उसने कभी अपने लाइफ में लॉस नहीं देखा, ओके, इज इट फाइन, वेरी गुड। सो ही हैज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड एनी काइंड ऑफ लॉस और रिस्पॉन्सिबिलिटी और एनी डिटैचमेंट येट, ओके, ही इज़ वेरी न्यू टू दिस कॉन्सेप्ट। सो अब अगर आप उसको आके ये बोलोगे कि और देख लीजो, तो वो नहीं देखेगा। क्यों नहीं देखेगा? क्योंकि उसको पहला उसके लाइफ का लॉस है। आपको अगर अपने लाइफ का पहला लॉस याद है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंस, वॉट इज योर फर्स्ट लॉस। अच्छा मैं बताऊँ तो मेरे पास भी एक डॉल थी, उसकी आंखें ब्लिंक होती थी, ब्लू कलर की आइज थी उसकी, और वो आंखें एकदम, जब भी वो मूव करती थी उसकी आंखें भी उसके साथ, मतलब होता है ना एक बहुत रियल वाली फील आती है उसके साथ, वैसी वाली डॉल थी। तो वो मेरा फर्स्ट लॉस था। आपका कौन सा था फर्स्ट लॉस, अगर आप लोगों को याद है तो प्लीज़ यू कैन शेयर विद अस। हाँ ओके बेटा, ये मेंटी ही है, काइंड ऑफ MCQ है हमारे पास, लेट मी शो इट टू यू, वी हैव MCQs, ओके, वी हैव MCQs, यू नीड नॉट टू वरी फॉर दैट, ओके, या वी हैव इट। आई नो द वीडियो इज क्वाइट रिस्ट्रिक्टेड एंड इट कुड बी ओनली फॉर द क्लास 10th स्टूडेंट्स, बट वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न। हाँ, इफ़ यू आर हियर यू वोंट बी गोइंग बैक विदाउट गेटिंग एनीथिंग, यू विल बी गेटिंग समथिंग आई थिंक। हाय अमन, माई ट्रस्ट, ओके, माई ट्रस्ट। सो बच्चों, यहाँ पर
उसको एक अल्टीमेट ग्रीफ होता है. अल्टीमेट ग्रीफ मीन्स, यहाँ पे ग्रीफ का मतलब किसी को पता है क्या? आई होप विद्याकुल वाले बच्चों को याद आ गया होगा. इट इज़ काइंड ऑफ रिवीजन आई एम गिविंग टू यू, है ना रिवी, हाँ टॉय गन, ओके. हाँ तो यहाँ पर अगर जब मेरी वो बॉल सबसे पहले या मेरी वो डॉल सबसे पहले खोई थी तो मुझे बहुत दुख हुआ था. ओके मैं मतलब शायद बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, मैं बहुत छोटी थी. ओके बाबी डॉल नहीं थी वो एक अलग सी टॉय थी जो कि बहुत ही टेम्पटिंग लगती थी मुझे. ठीक है उसका जाना मुझे अच्छा नहीं लगा एंड आई वॉज वेरी वेरी शैटर्ड. आई वॉज शैटर्ड एट दैट मोमेंट एंड आई वॉज वेरी डिप्रेस्ड बिकॉज इट वॉज माई फर्स्ट, यू कैन से मैं आई वॉज ट्रीटिंग हर एज ए चाइल्ड. हाँ इट होना चाहिए पर हर, क्योंकि मुझे उसमें इमोशंस दिखते थे, मुझे लगता था वो मेरी है. ठीक है मेरी ओनरशिप थी, मेरा पोजेशन था वो. और हर किसी को होता है, छोटे बच्चों को तो बहुत ज़्यादा होता है. फिर एक बार साइकिल से भी मुझे अटैचमेंट हुई, तो आप लोग सबसे रिलेट कर पाएंगे मेरी इस बात से. हाय हाय रितेश देशमुख, हरीश देशमुख, ओके. तो बच्चों ऐसे ही आपको अपना पुराना लॉस याद करना है. ग्रीफ का मतलब होता है दुख. फिक्स द बॉय, फिक्स का मतलब वो स्टैट, मतलब एक जगह पे ना स्टैंड रहा, वो हिल नहीं पाया, उसकी टांगे चल ही नहीं पाई. ओके वो एकदम रुक गया, स्टेशनरी हो गया, मूव नहीं कर रहा था वो. ओके वो इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि वो उस कंडीशन में ही नहीं था. ठीक है ही स्टैंड रिजिड. रिजिड का मतलब, रिजिड का क्या मतलब होता है? आई वॉन्ट टू नो द मीनिंग ऑफ रिजिड. यस ग्रीफ रेफर्स शेक्ड हार्ट. यस राइट ग्रीफ रेफर्स शेक्ड हार्ट. शेक्ड हार्ट नहीं, ग्रीफ का मतलब होता है एकदम डीप डीप डाउन दुख. ठीक है डीप डाउन दुख मतलब आपका बिल्कुल हार्ट को चीरते हुए वो दुख लगा आपको अगर, तो वो ग्रीफ है, बहुत ज़्यादा दुख. ठीक है तो यहाँ पर वो रिजिड हो जाता है, वो ट्रेम्बल कर रहा है पर चल नहीं रहा. ही वॉज नॉट डूइंग एनी थिंग. ओके ही वॉज नॉट मूविंग हिज लेग्स टू फेच द बॉल अप. उप नीचे भी नहीं जा रहा उठाने के लिए कि जाके लेके आ जाए पानी में से उठ के, वहाँ नहीं जा रहा है, बस ट्रेम्बल कर रहा है. ट्रेम्बल का मतलब क्या होता है? शेकिन, शेकिन फ्रॉम विद इन. पहला लॉस होगा तो वो थक गया, हैरान हो गया और कांप रहा है बेसिकली. ठीक है स्टेयर कर रहा है, स्टेयरिंग डाउन. स्टेयर का मतलब क्या होता है बच्चों? देखना, घूरना, अपनी चीज़ की ओर घूरना काफ़ी देर तक कि कोई और उसकी मदद करे या वो क्या करे ऐसा कि उसकी बॉल जिसके साथ उसने अपना बचपन बिता दिया वो उसे वापस मिल जाए, है ना? या वेरी गुड प्रतिमा. यस हाय वीरेन. ओके स्टेयरिंग डाउन. सो ऑल हिज यंग डेज इनटू हार्बर. हार्बर का मतलब, हार्बर का क्या मतलब होता है? आई वॉन्ट टू नो द मीनिंग ऑफ हार्बर. दोज हु हैव ऑलरेडी रेड दिस पोम मस्ट हैव दे मस्ट हैव नोन द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड. कैन यू प्लीज टेल, कैन यू प्लीज शेयर द मीनिंग? क्या मतलब है यहाँ पे हार्बर का? बताओ बच्चों फटाफट बताओ. देखो आज ये लिटरेचर पे रिस्ट्रिक्टेड वीडियो है लेकिन आई एम प्लानिंग टू टेक ग्रामर वंस अगेन. तो आप अपनी ओपिनियन भी दे सकते हैं क्योंकि यहाँ पे मैं कई लोगों को देख रही हूँ, ये दे आर कॉन्टिन्यूसली कमेंटिंग. टू हुम यू आर ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट और टॉक? क्या हो रहा है ये? ओके बच्चों हार्बर, हार्बर का मतलब होता है सहारा देना, बचाना, है ना? सहारा देना, बचाना, या आप कह सकते हैं बच्चों कि वो उसके साथ, उसके यंग डेज, उसी को, उसी के साथ खेलने में निकल गए, है ना? ऐसा ऐसा टाइम आया कि वो उसके साथ ही उसने अपना यंग डेज जो है वो बिताए हैं, है ना बच्चों? यंग डेज बिताए ना, आपने भी तो बिताए होंगे अपनी कुछ भी स्पेशल चीज़ के साथ. आपने अपने यंग डेज बिताए हैं वो ऑटोमेटिकली स्पेशल हो गई. शक्तिमान कितना स्पेशल है,
यंग डेज अगर किसी ने शक्तिमान को देखा होगा, सीरियल है जो है ना डीडी नेशनल पे शक्तिमान आता है, आपका अपना बेन 10 आता होगा, कार्टून टॉम एंड जेरी है, तो उसके साथ आपने अपना बचपन बताया है, आई थिंक आपको रिलेटेबल लगेगा ये, है ना। अगर आपसे कोई उस मोमेंट उसका उसकी यादें छीन लेता तो या आपको ये बोले कि वो नहीं देखने देंगे आपको वो, तो कितना दुख होगा आपको, है ना। तो ऐसे ही उस बच्चे को अपनी सबसे टेम्पटिंग चीज़ को लूज़ करते हुए बहुत दुख हुआ जिसमें उसके यंग डेज बीते थे जिसके साथ। ओके आगे बढ़ रहे, हिज बॉल वेंट, आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। आई यहाँ पर इज रेफर टू द पोएट हु इज प्रोबेबली ही इज सिटिंग विद हिम ओनली, वहाँ पर वो उसके साथ बैठा है, ऐसा चांसेस है, ऐसा पॉसिबिलिटी है कि वो ये सब देख रहा है, और मे बी ये पोएट का बचपन भी हो सकता है। ओके इज इट फाइन बच्चों, आई होप आई एम मेकिंग सेंस, एंड इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी इन एनी ऑफ द लाइन यू कैन कॉन्टैक्ट अस इन द कमेंट सेक्शन। यस राइट, वेरी राइट, प्रतिमा इज आंसरिंग द क्वेश्चंस एंड द थिंग्स वेरी क्लियरली एंड राइट ऑल्सो। यस यू आर राइट। हाँ तो बच्चों यहाँ पर लेकिन उसने उसको इंट्रूड नहीं किया, इंट्रूड का मतलब क्या है, इंटरवीन है ना, इंटरवीन क्यों नहीं किया भाई, बताओ बच्चों क्यों नहीं इंटरवीन किया उसने उसको, कैन यू टेल मी व्हाई डिडंट ही इंटरप्ट हिम, और उसने ऐसे क्यों नहीं बोला अरे बेटा कोई बात नहीं मैं ला देता हूँ बॉल ये वाली, क्यों नहीं बोला, क्योंकि बच्चों वो पोएट जो है वो चाहता था, दिल से चाहता था कि ये बच्चा सीख जाए। आपको सिखाने के लिए आपने साइकिल सीखी होगी, सब लोगों ने साइकिल सीखी है, एवरीबडी नोज हाउ टू राइड अ साइकिल, कोई मुझे बताएगा, कोई मुझे बताएगा किसी को साइकिल आती है, सब लोगों को पता है ना कि साइकिल से गिरने से जब तक आप गिरोगे नहीं तब तक आपको आएगी नहीं, ये बात कौन बोला था आपको सबसे पहली बार, कोई बड़ा ही बोला होगा ना कि जब तक तू गिरेगा नहीं तब तक आएगी नहीं। तो ऐसे ही बच्चों वो पोएट उसके साथ बैठा हुआ था और उसे ये पता था कि अगर ये अब नहीं संभलेगा ना, इसे लॉस का एहसास नहीं होगा ना, तो उसको हमेशा लाइफ में ऐसा ही फील होगा, तो इसको फील करने दो, वो इसको समझने दो क्या कॉन्फ़िगरेशन है, क्या एपिस्टेमोलॉजी है, क्या आप ये कह सकते हो लॉजिक है लॉस के पीछे। ओके अ डाइम हिज बॉल, हाँ हाँ अ डाइम एनदर बॉल इज वर्थलेस, अभी कोई और भी बोले ना कि उसको ये वाली बॉल ला देंगे वो सब वर्थलेस है उसके साथ, क्योंकि अटैचमेंट किसके साथ है, वो वाली बॉल के साथ अटैचमेंट है जो कि लूज हो गई। नाउ ही सेंस हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको मिलने वाली है और उसको सेंस हुई है। ओके ओके चलो आगे बढ़ते हैं, इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस पीपल विल टेक बॉल्स, सब लोग लूज करते हैं, आपने सबने लूज किया हुआ है ऑलरेडी, आप अवेयर हैं इस बात से कि सब कुछ लूज होता है, फिर दोबारा खड़े हो जाते हैं, फिर लूज कर देते हैं, फिर बिल्ड करते हैं, फिर गिर जाता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि किसी ने कभी लॉस ही एक्सपीरियंस नहीं करा हो, टीम इंडिया हारती है रोज़ उनके मैचेस होते हैं, IPL होता है, कितनी बार एक टीम हारती है, कितनी बार वही टीम बाद में जीत जाती है ना, तो अप्स एंड डाउन्स जो है लॉस जो सिग्निफाई करते हैं वो होंगे ही, है ना, उसको कोई डिनाई नहीं कर रहा है। यस देर इज अ पर्सन हु इज रिस्पॉन्डिंग, ओके लेट मी चेक, बिकॉज ही न्यू दैट इट वुड बी नॉट बेटा ये लाइन आपने गलत लिखी है। हाय सरिता देवी, इतना मुस्कुराहट, है ना बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो लॉस है ना बच्चे, हाँ प्रतिमा आपने आपकी भावनाएं ठीक है, आप जो लिखना चाह रहे हो एवरीथिंग इज फाइन, बट यू आर नॉट फ्रेमिंग द राइट सेंटेंस, सो एक बार आप देखो क्या कहना चाह रहे हो, बस मैं समझ गई हूँ वैसे क्या कह रहे हो।
Hi Sarita Devi, please share the session with your friends and let them know that we are dealing with the ball poem today. Okay? So बच्चों यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि लॉस तो होगा लिटिल बॉय क्यों बोल रहे हैं कि अरे छोटे से लड़के बहुत सारे दुख आने वाले हैं जीवन में. क्यों? क्योंकि देर आर लॉट ऑफ लाइफ इज टू गो ऑन, इज टू मूव ऑन. आपको आगे बढ़ना है. लाइफ का मतलब है चक्र, ये चलता रहेगा. लॉसेज होंगे, फिर आपको फ़ायदा होगा, फिर आप लूज करोगे, और आपने आपको आपने क्या करना है, स्टेबल रखना है. बेसिकली नो वन बॉय इज अ बॉल बैक, नो वन बाइज अ बॉल बैक. मतलब वही चीज़ जो टाइम या मेरी मेकिंग आप जब कर रहे थे वो हमेशा नहीं रहता. हैप्पीनेस या अच्छे दिन हमेशा नहीं रहते हैं, ठीक है? तो वो वाली चीज़ें आपको नहीं सोचनी है कि आपको वही समय हमेशा चलेगा या आपके साथ जिसकी अटैचमेंट है वो फॉरएवर है, ठीक है? वो फॉरएवर नहीं है. नथिंग इज फॉरएवर. ओके, कोई भी बॉल बाय बैक नहीं. यहाँ पे जो बाय बैक है ना, नो वन बायज अ बॉल बैक, ये वाली लाइन याद रखिएगा कि अच्छे दिन हमेशा नहीं रहते. मनी इज एक्सटर्नल, इमोशंस जो हैं वो इंटरनल होते हैं. मनी एक्सटर्नल चीज़ है. पैसा दे दोगे बॉल के चक्कर में कि यार पैसा रख ले, भूल जा बॉल, तो कितने दिन तक ये चलेगा? मतलब अटैचमेंट तो किससे थी? बॉल से थी ना, उस थिंग से थी. अब पैसा दे दोगे इसके बदले, लेकिन उससे वो वाली अटैचमेंट नहीं हो सकती वापस, है ना? और उस नए बच्चे के लिए जो कि पहली बार लूज कर रहा है कुछ, तो उसके लिए तो वैसे भी वैलिड नहीं है कि आप उसे पैसे से चुप करा रहे हो, है ना? ही इज लर्निंग, ही इज अ न्यू लर्नर, ही इज अ नोविस. ओके, वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आईज, यहाँ पर ही इज कॉन्स्टेंटली सीकिंग, ही इज कॉन्स्टेंटली लुकिंग फॉरवर्ड और लुकिंग फॉर द बॉल, है ना? चारों तरफ देख रहा है, कोई तो मदद कर दो, कोई तो कुछ कर दो, या वही बॉल मुझे वापस चाहिए, मुझे नहीं पता. ऐसे बोलते थे ना बचपन में, क्या बोलते थे? मुझे नहीं पता, मुझे तो कहीं से भी ला के दो. जिद्दी बच्चे क्या बोलते हैं? स्टबन बच्चे. आई वॉन्ट इट, है ना? ऐसे बोलते हैं ना कि आई वॉन्ट इट, कहीं से भी ला के दो. यस, राइट. तो यहाँ पर बच्चों एपिस्टेमोलॉजी का मतलब आपके लिए आएगा, यहाँ पर होता है कॉन्फ़िगरेशन या लॉ, यहाँ पे सिस्टम बेसिकली, ठीक है? क्या सिस्टम है लॉस का उसको नहीं पता है. कैसे खड़े होगा, हाउ टू स्टैंड अप नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट. अब बॉय की जगह वो क्या बन जाएगा? मैन बन जाएगा. एक इंसान, एक 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 मतलब आप समझ रहे हो ना, एक आदमी जब बनेगा, वो लड़का से जब आदमी बनेगा तो उसको सब कुछ पता होना चाहिए. नाउ ही शुड नो दैट देर आर लॉट ऑफ लॉस, है ना? देर आर लॉट ऑफ लॉस, लॉसेज उसको मिलने वाले. लॉस भी तो नहीं, लॉसेज, है ना? लॉस ही लॉस, लूज करेगा वो दिन रात लूज करेगा. बट उसको कभी भी घबराना नहीं है, उसको स्टैंड अप होना है. जब वो स्टैंड अप होगा तभी जाके द बॉय विल टर्न आउट टू बी अ मैन. ओके, यहाँ पर बेशक उसने अपना जो थिंग है, पोजेशन है, ठीक है, वो लूज कर दिया, बेसिक यूज लूज कर दिया, लेकिन उसने मैच्योरिटी गेन कर ली, है ना बच्चों? आप मानते हो ना, मैच्योरिटी गेन कर ली. या तो नेक्स्ट टाइम पर क्या होगा ना, पता है, नेक्स्ट टाइम पर जब लॉस होगा ना तो वो बोलेगा कोई नहीं भाई, चिल, कोई बात नहीं, लूज ही तो हुआ है, दोबारा ले लूँगा, नई बॉल है, नई बॉल आएगी, इसी बार में नई बॉल आएगी, है ना? तो ये कॉन्फ़िगरेशन होती है जब मैन, जब बॉय से मैन टर्न होगा ना वो, तो देन ही विल, व्हाट ही विल डू, ही विल लर्न. बस अभी आ रहे हैं MCQs, आ रहे हैं. सेंट्रल आइडिया, आई होप आई मेड द सेंट्रल आइडिया क्लियर इन योर हेड नाउ. इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, एंड देन वी विल बिगेन विद द पोएटिक डिवाइसेज एंड देन द MCQs. 15 MCQs हैं, बहुत ही खतरनाक वाले हैं. आप सबको पार्टिसिपेट करना है और मुझे आंसर्स देने हैं. आंसर्स वही हैं, मैंने थोड़ा सा ब्लर कर रखा है, स्क्रैच करेंगे, जैसे गूगल पे पे करते हैं, गूगल पे का स्क्रैच करेंगे और फिर देखेंगे कि बच्चों ने आंसर ठीक दिया या नहीं, ठीक है? इससे पहले जल्दी से इस सेशन को शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए मेरी वीडियो, और इस पोम को इन डेप्थ समझ लीजिए ताकि आपको कभी भी दिक्कत ना आए बॉल पोम को क्रैक करने में, ठीक है? काफ़ी क्रूशल पोम है, जॉन बेरीमैन ने लिखी है.
है ना, पता है ना सबको जॉन बेरीमैन, विद्या गुल वाले तो काफ़ी अच्छे से जान गए हैं, इनकी शक्ल भी दिखाई थी मैंने, अमेरिकन है, काफ़ी कूल से पोएट हैं। और यहाँ पर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझाने के लिए इस पोम को लिखे हैं, ठीक है। यहाँ पे वो ये बता रहे हैं कि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है ना, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड कैसे है, हाउ कैन यू से दिस दैट इट इज़ अ मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, कैन एनीबडी टेल मी वॉट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम, कियान कैन यू टेल मी, एक बच्चा पता नहीं क्या बोला जा रहा है, काफी देर हो गई है। कैन एनी वन टेल मी वॉट इज द मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, क्या है मतलब इसका, बेटा वो टेंथ में थोड़ी है, यहाँ पर ये भड़का रहा है बेटा, अब एक आने की जरूरत नहीं है, वो टेंथ में नहीं है, वो नाइन्थ में बहुत अच्छा कर रहा है, आप अपनी चिंता करो कियान। हाय अभे, कोई इग्नोर नहीं है, वो यहीं है, ठीक है। और बेटा आप, आपको अभी पोएटिक डिवाइसेस मुझे लगता है आते ही होंगे, हम वही रिवाइज करने वाले हैं अभी, है ना। देख लो आ गया वो, मेरा फेवरेट बच्चा है, मैं उसकी फेवरेट मैम हूँ, तो आपको बीच में आने की जरूरत नहीं, किया आपके लिए बढ़ाई हो रही है, पता है, मनी ओरिएंटेड, यस यस, मनी ओरिएंटेड मींस आपको मटेरियलिस्टिक चीज़ में पोजेशंस देखने को मिलेंगी, ये मेरा तेरा है, इमोशंस कम देखने को मिलेंगे, है ना। वेयर दोज हुम यू लव मींस आपके पेरेंट्स, आपसे जिसकी फीलिंग जुड़ी हुई है ना। हाँ, जस्ट लाइक मटीरियल, वेरी गुड वेरी गुड, जस्ट लाइक मटीरियल प्रतिमा, यू आर वेरी वेरी, यू परफॉर्मिंग इट वेरी वेल, वेरी गुड, बहुत अच्छे आंसर्स हैं आपके बेटा, हाँ हाँ गुड। सो यहाँ पे वर्ल्डली पोजेशंस है, मैंने आपको बता दिया, ओनरशिप को कहते हैं, भूलिएगा नहीं, जो भी मुझे देखेगा बाद, अभी देख रहा है या बाद में देखेगा, है ना, तो उनको ये बात अच्छे से पता चल गई है कि ये पोम जो है आपको ये दिखाने के लिए कि आपने जब इमोशंस से आप किसी से अटैच हो जाते हैं, फिर जो डिटैचमेंट होती है वो आपको, बेशक वो चीज़ लूज़ हो जाती है, पर आप उससे सीखते ज़रूर हो, अगर आप नहीं सीख रहे हो तो आपको दोबारा वो दर्द उठेगा बार बार, ठीक है। इसलिए वेन एवर यू लूज़, और कभी भी फेल होने का आपका, मेरे एग्ज़ाम में नहीं, ठीक है भाई, लाइफ में भी नहीं, लेकिन छोटी मोटी जगह पर अगर इधर उधर चले जाते हो आप, समझ रहे हो ना, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, चिल है, वहाँ से सीख के ही आओगे, ओके। सो इफ़ यू गो फॉर अ वॉर, तो आपको ज़रूरी नहीं है यू हैव टू विन दैट वॉर, समटाइम्स यू लर्न एंड समटाइम्स यू गेन और विन द बैटल, ठीक है। तो गेन और विन के बाद लर्निंग होती है, तो उसको एक्सेप्ट करना है। यहाँ पर पोम में जॉन बेरीमैन आपको बस यही बताने के लिए आए हैं कि आपको सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, ये जानना है कि आपने जो लूज़ किया वो एक मैच्योरिटी, जो आपने लूज़ किया वो पोजेशन बेसिकली हो सकती है, लेकिन जो आपने गेन किया वो आपकी मैच्योरिटी है ना। हाय मैम, काफ़ी अच्छी पोम है, मैम को भी अच्छी लगेगी। यहाँ पे वर्ड मीनिंग्स पर बच्चों हम आ गए हैं, ये इनसाइट्स हैं, अगर आपको याद होगा वी हैव डेल्ट विद दिस अर्लियर टू, बट नाउ इट इज़ फॉर ऑल। हाँ, आप यहाँ पे मेरीली, सबको पता है हैप्पीली होता है, ठीक है। ओ देर आर अदर बॉल्स, यहाँ पे बताया गया है हमारे पोम में, एक 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 लाइन है हमारे पोम में, उसमें बताया गया है कि जब कोई ये बोल रहा है अरे बहुत सारी लड़कियाँ हैं, बहुत सारी बॉल्स हैं, है ना, ऐसे समझाया था ना कि, या अरे उसको छोड़ दे वो लड़का अच्छा नहीं है, बहुत सारे और भी हैं, और भी ऑप्शंस हैं, तो यहाँ पर ऑप्शंस बताएगा अगर कोई उस पर्टिकुलर मूवमेंट, तो क्या आप एंटरटेन करेंगे उन ऑप्शंस को उस मूवमेंट, नहीं, क्योंकि उस प्रेजेंट मूवमेंट आपको हिट हुआ है, आपको प्रॉब्लम हुई है, तो उस बच्चे को भी ऐसे बताया गया कि ये लॉस तो हुआ है पर और भी बहुत सी चीज़ें हैं, है ना।
अच्छा ओके थैंक यू मैम, है ना। तो ऑप्शंस में बच्चों, अगर आपको उस मोमेंट कोई ऑप्शन दिखा रहा है तो वो गलत है ना। अल्टीमेट का मतलब पता ही है सबको, फाइनल होता है। शेकिंग ग्रीफ मीन्स, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, द सैडनेस और द मेलेंकलिक एनवायरमेंट और द ऑरा, ओके, सो विच ग्रेटली अफेक्ट्स द बॉय एंड एवरीबडी, इट विल अफेक्ट एनीवन, है ना। जब आपको लॉस होता है तो बहुत ज़्यादा दुख होने होता है, अपने हर एक लॉस को याद करो और सोचो कितने दुखी थे आप उस मोमेंट। बटुए तो सबके चोरी हुए होंगे, है ना, बटुए याद करो, आपके वॉलेट्स जब निकलते हैं, आपके पैसे जब निकले हैं, चाहे वो कितने ही हो, उस प्रेजेंट मोमेंट पे आपको वो कितने इंपॉर्टेंट लगते होंगे ना। इट वॉज रियली इंपॉर्टेंट, किस किस के हुए हैं ज़रा बताना, कहाँ कहाँ हुए हैं, आई वॉन्ट टू नो। चलो चलो बताओ मुझे। और रिजिड का मतलब स्टिफ, देन शिवरिंग, हार्बर का प्लेस, आई ऑलरेडी टोल्ड यू दिस, इंट्रूड का मतलब इंटरवीन, ओके, टू एंटर द सिचुएशन, इंट्रूड मतलब किसी की जगह पे एंट्री करना, किसी भी घर में घुसना या किसी की प्रॉब्लम में एंट्री करना। अ डाइम, अ डाइम मीन्स 10 सेंट्स, US में डाइम को मतलब US डॉलर्स 10 सेंट्स को कहते हैं, US डॉलर वाली करेंसी याद है, पता है ना सबको, तो डाइम है 10 सेंट्स, ओके, आगे बढ़ रहे हैं। सो पोजेशन, समथिंग यू ओन, ऑलरेडी आई टोल्ड यू प्लेंटी ऑफ टाइम्स। सो नाउ एक्सटर्नल, सुपरफिशियल, एक्सट्रेंसिक, यहाँ पर इंट्रेंसिक होता है इसका एंटोनिम, ठीक है। सो यहाँ पर मैं एंटोनिम लिख रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है ये आपसे पूछेंगे, ठीक है। एंटोनिम्स और सिनोनिम्स पूछते हैं ना कि व्हाट इज द एंटोनिम, फाइंड आउट द अपोजिट मीनिंग। सो यहाँ पे एक्सट्रिंसिक का इंट्रिंसिक है। डेस्परेट, होपलेस, कैसे कैसे रैट आइड होके लोग देखते हैं ना, किसी भी प्रॉब्लम में किसी की हेल्प चाहिए होती है तो, है ना बेटा, यस। एट वॉट टाइम ही वुड फोकस ओनली ऑन ग्रीफ, यस राइट। तो एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, द नेचर ऑफ लॉस और द सिस्टम ऑफ लॉस, यू कैन से, है ना, सिस्टम ऑफ लॉस राइट। सो द ग्रीक वर्ड है एपिस्टेम, तो जिससे बना है नॉलेज, इससे आपको सीख मिलती है, ठीक है, यू लर्न बेसिकली, ओके। सो नाउ वी विल बी फोकसिंग ऑन द पोएटिक डिवाइसेस ऑफ द पोम, है ना। अभी इसमें जो भी हमारी पोम के पोएटिक डिवाइसेस हैं, इसके थ्रू आप लर्न करेंगे बच्चों कि पोएटिक डिवाइसेस में क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर इस पोम में बच्चों कोई भी राइम फॉलो नहीं हुई है, तो आप यहाँ पर राइमिंग स्कीम जब आप नहीं निकाल पाते हैं, उसको कहते हैं ब्लैंक वर्स या फ्री वर्स, ओके। याद रखेंगे, जब भी आप ए बी बी वी नहीं निकाल पा रहे हो तो उसको कहते हैं ब्लैंक वर्स, ओके, ब्लैंक वर्स इधर और फ्री वर्स, ठीक है। वर्स को पोम कहते हैं, जब आपको कोई वो नहीं मिलती कि आपको रिदम फॉलो नहीं कर पाते, ओके। द पोम इज रिटन इन अनराइम्ड एम्बिक पेंटामीटर, कंसीडर द फॉलोइंग लाइंस ऑफ द पोम, यहाँ पर देख सकते हैं कुछ लाइंस देख पाएंगे आप। वॉट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, वॉट वॉट इज ही टू डू, I saw it go, merrily bounce.